अस्सलाम वालेकुम, पार्क फोन पे वेलकम। दोस्तों, फास्ट चार्जिंग का सुना तो सबने है, देखते भी हैं हम, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये काम कैसे करती है? तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको फास्ट चार्जिंग दिखाऊं भी कि कैसे काम करती है, ये भी आपको बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने छोटा सा एक जुगाड़ किया है कि ये मल्टीमीटर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये केबल को यहाँ से जो है ना काट के इसमें मल्टीमीटर और एक सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है, ये कनेक्ट कर दी है। तो ये केबल असल में थोड़ी पुरानी है, इस वजह से ये बार बार जो है ना डिसकनेक्ट हो रही है। तो जब स्क्रीन पे फास्ट चार्जिंग का मैसेज आएगा तो आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये फास्ट चार्जिंग का मैसेज आ गया और यहाँ पे मीटर जो है वो आपके 8 वोल्ट शो करवाएगा। अभी ये बार बार हमें परेशान कर रही है, ये 8 वोल्ट शो करवा रहा है और ये मीटर जो है ये भी 8.2 वोल्ट शो करवा रहा है, ये 8.4 वोल्ट शो करवा रहा है, मतलब थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो कैसे काम करती है? ये पावर सप्लाई लगाई हुई है और अडाप्टर भी लगा हुआ है। ये अडाप्टर का स्विच है, मैंने ऑफ़ कर दिया। अब जब मैंने ऑन करना है तो इसने 5 वोल्ट देने हैं और फ़ोन को इसने चेक करना है कि फ़ोन क्या केपेबल है। अगर फ़ोन ने इसको सिग्नल दिया कि मुझे फास्ट चार्जिंग का करंट मिल जाए तो ये जो है ना फास्ट चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। तो इसको जब मैं ऑन कर रहा हूँ तो 5 वोल्ट मतलब 4.7, अब ये थोड़ी देर बाद 8 वोल्ट पर चला जाएगा। ये अभी झटके ले रहा है लेकिन 8 वोल्ट पर स्विच हो रहा है, ये देख रहे हैं आप 8.2 वोल्ट। तो ये मीटर को भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ये वायर को काट के यहाँ से मीटर मल्टीमीटर और ये पावर सप्लाई जो लगी हुई है ये कनेक्ट की हुई है। तो इस तरह ये काम करता है। अब मैं दिखाता हूँ चार्जर की स्पेसिफिकेशन आपको। चार्जर की अगर स्पेसिफिकेशन देखें तो इसमें इनपुट वोल्ट जो है वो 220 वोल्ट आधा एम्पीयर है और आउटपुट वोल्ट जो है 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर और 9 वोल्ट 2 एम्पीयर 5 वोल्ट 3 एम्पीयर। ये तीन किस्म की इसमें जो है ना फंक्शनैलिटी है। ये क्वालकॉम का क्विक चार्ज 3.0 सपोर्टेड चार्जर है और ये कैसे काम करता है कि आपका जब मोबाइल के साथ चार्जर हैंडशेक करता है, मतलब कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो मोबाइल इसको सिग्नल देता है कि मुझे करंट ज़्यादा चाहिए। अगर वो सपोर्टेड होता है तो फिर चार्जर जो है ना वो अपनी तरफ से उसके हिसाब से जो टेक्नोलॉजी मोबाइल में यूज़ हो रही है उसके हिसाब से उसको करंट देता है। जैसे ये 9 वोल्ट दे रहा था, यहाँ पे 8 वोल्ट लाइन लॉसेस की वजह से या किसी भी वजह से 8 वोल्ट शो हो रहे हैं, लेकिन ये इसकी टेक्नोलॉजी है। अब इस पर अगर कोई ऐसा फ़ोन लग जाए जिसमें ये टेक्नोलॉजी है क्विक चार्ज 3.0 तो ये 12 वोल्ट भी देगा और ये जो है ना नॉर्मल चार्जर की निस्बत बहुत फास्ट है। और हमने चेक किया है कि ये तकरीबन 1 घंटे में बैटरी फुल कर देता है अगर इसमें क्विक चार्ज 3.0 है, लेकिन अगर नॉर्मल फास्ट चार्जिंग है तो 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट बैटरी फुल, 1 मिनट में 1% तकरीबन। ये आपके डिपेंड करता है आपकी केबल की क्वालिटी पे। ये केबल जो आप चार्जिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं इसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है और चार्जर के करंट पे डिपेंड करता है कि आपका चार्जर कितना केपेबल है। तो अगर ये चार्जर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।